आज हम एक ऐसे घने जंगलों के बीच ऐसे चित्र दर्शन करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए खुद इतिहास ही बना हुआ है। जब मैंने मूर्ति के बारे में सुना तो सहज विश्वास ही नहीं हुआ कि चंदेरी त्रिभुवन जी के आसपास जंगलों में कोई पहाड़ पर तीर्थंकर की प्रतिमा मौजूद हो सकती है। गूगल पर सर्च किया तो वहां भी कुछ नहीं मिला। खैर, मैं स्थानीय जैन बंधुओं के साथ मूर्ति देखने निकल पड़ा। तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, तीर्थ कर। हरे भरे लहराते हुए खेतों के मैदानों के बीच और बसी नदी के किनारे हमें वह चंद्राकार पर्वत भी दिखाई देने लगा जिसकी खोज हम यहाँ तक आए थे। हमें नीचे से वह मूर्ति पद्मासन मुद्रा में थी जो दिखाई देने लगी। पर्वत की ऊंचाई करीब 50 फीट के करीब होगी जिस पर स्थानीय पूर्व विधायक और पूर्व सरपंच लोगों आदियों ने मिलकर शिवलिंग का निर्माण कराया होगा। उतरत चढ़त पहाड़ न चंचल मन इत उत डोले, बूढ़ो बालक एक ही सुर में जय पारस बोले। पर्वत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। यहाँ जल पी के शांति पालो, यहाँ जल पी के शांति पालो। सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते ही हमें पहाड़ पर उकेरी गई वह लाल बलुई पत्थर जिस पर प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मन रोम रोम पुलकित उठता है। अब हमारे सामने भगवान आदिनाथ की पद्मासन मुद्रा में युवराज अवस्था, अद्भुत केश विन्यास, ध्यान मग्न, चित्ताकर्षक, मनमोहक, बिल्कुल ऐसा जैसे ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर मूर्तियों को उकेरा गया हो। स्थानीय ग्रामीण लोग इन्हें भीमसेन बाबा के नाम से भी पूछते हैं। प्राचीन है ये तो जानकारी नहीं कितना वर्ष पुराना है, पर इसको पहले इधर आसपास पूरे गांव वाले इनको भीमसेन बाबा के नाम से मानते थे। और बहुत चमत्कारिक मूर्ति है, जिसका भी कोई जानवर घूम जाता था, दूध नहीं देता था तो यहाँ दूध चढ़ाने पे उनका दूध देने लगती थी। गाय भैंस घूम जाती थी तो मिल जाती थी, उसका यहाँ वो प्रसाद चढ़ाती थी। चंदेरी के पुराने लोगों को सबको जानकारी थी कि कभी कभार यहाँ आते थे, दर्शन करने आते थे इकट्ठे ट्रैक्टर टाली से। तब इसके पहले कुछ नहीं आ पाता था यहाँ बाहर। अब तो ये है कि फिर भी ठीक है, कार जीप भी आ जाती हैं। मेला आयोजन आदिनाथ जयंती पे करते हैं हर साल प्रतिवर्ष, तब यहाँ सैकड़ों आदमी आते हैं। अशोकनगर, मुंगावली, ललितपुर, खनिया थाना, सभी जगह से यहाँ हजारों श्रद्धालु हर साल आदिनाथ जयंती पे आते हैं। मगध देश न पहस्तिपाल का नगर मनोहर है, मंदिर है जल बीच कमल। प्रतिमा जी पर खुदे संबत 1675 आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष के 8 शनिवार लिखा हुआ है, पर प्रतिमा इससे भी ज्यादा प्राचीन मालूम पड़ती है। क्योंकि पास के ही एक आर के चरण पादुका में संबत 1555 भागुन सूची 2 लिखा हुआ है। शिलालेख से तो मालूम पड़ता है इस प्रतिमा का निर्माण विशाल के राजा या उसके राज्य की ओर से कराया गया हो। पहाड़ पर 2 और गुफाएं भी मौजूद है। भी बहुत प्राचीन है, शायद तब ये आदिनाथ भगवान जी बने होंगे तभी की बनाई हुई होगी। ये गुफा बूढ़ी चंदेरी से इधर का रास्ता बताती है, इससे पूरा सुरंग में से निकलने का।
और इधर से बूढ़ी चंदेरी गुफा में से मुश्किल से कोई 1-2 किलोमीटर होगी बस। पुराने लोग ये सब बताते हैं, बाकी अभी तो ये पुर गई है जैसा अभी हो। जैन समाज की अमूल विरासत गुमनामी में जब प्राचीन काल से ही पूरा चंदेरी धर्म शिक्षा प्रसार का केंद्र था, खंदारगिरी भुवन जी अपनी ऐसोगाथा चारों बिखेर रहे थे, पर यह क्षेत्र अछूता कैसे रहेगा एक शोचनीय विषय बना हुआ है। भियंदा क्षेत्र चंदेरी अशोकनगर मार्ग पर भांजड़ गांव से 7 किलोमीटर दूर रखथेरा गांव के पास करीब है। चंदेरी से मात्र 16 किलोमीटर और खंदारगिरी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भियंदा अवश्य एक बार दर्शन करें।